छठ पूजा 2023 अर्घ देने का बेहद खास मुहूर्त करना न भूलें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में छठ पूजा कब है, छठ पर्व की तिथियां व सूर्य को अर्घ देने का शुभ समय और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए महिलाएं छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जल व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में छठ कब है, व्रत तिथि, सूर्य को अर्घ देने का सबसे शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। छठ पूजा तिथि व शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर प्रातःकाल 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातःकाल 7:23 पर। नहाय खाय की तिथि होगी 17 नवंबर शुक्रवार। खरना तिथि होगी 18 नवंबर शनिवार। अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त होगा 19 नवंबर रविवार शाम 5:26 पर। उषा अर्घ का शुभ मुहूर्त होगा 20 नवंबर सोमवार सुबह 6:46। छठ पूजा का पहला दिन। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। दिवाली के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाय की परंपरा होती है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। इस साल 17 नवंबर शुक्रवार को नहाय खाय के साथ छठ पूजा आरंभ होगी। इस दिन घर की साफ सफाई कर व्रती लोग स्नान के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रती दिन पर उपवास रखते हैं। इस दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रसाद बनाया जाता है। शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है। प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि होती है। इस दिन शाम के समय पूजा की तैयारी कर बांस की टोकरी में अर्घ देने के लिए सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने घाट पर जाते हैं। इस साल डूबते सूर्य को अर्घ देने का समय 19 नवंबर रविवार की शाम 5:26 का होगा। छठ पूजा का चौथा दिन। छठ पूजा के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को सुबह उठते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती अपने परिवार के साथ सूर्यदेव के दर्शन के लिए पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन कर व्रत का पारण करते हैं। इस साल उषा काल अर्घ देने का समय 20 नवंबर सोमवार सुबह 6:46 का होगा। छठ पूजा उपाय। छठ के दौरान सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ दें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से सूर्य मंत्र का जाप करें। छठ पूजा में सूर्यदेव की पंचोपचार पूजा कर उन्हें गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है। पूजा के लिए बांस से बनी टोकरी और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दिन लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान करने से हर इच्छा पूरी होती है। छठ पूजा के दिन सूर्य को दूध और गंगा जल मिले जल का अर्घ देना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।